ये दोनों पेज खोलेंगे पहले तो ये बक्स जो है बाहर आ जाएगा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये नहीं छेड़ेंगे। असल बंद करना ना जो वो असल टेक्निक है वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, शटल को बंद करना। ये जी सिलाई मशीन में अगर धागा फंस जाए और वो सॉकेट दूसरी तरफ चली जाए तो उसका कैसे आपने? मैं स्टूडेंट है, मैं सवाल करांगा नाल। जी जी। तो ये DIY डू इट योरसेल्फ, रोशनी सही डालेगी। निकाल लिए पेज, निकाल ये बक्स बाहर आ गया है। ये बाहर आ गया तो ये बक्स के अंदर जो है शटल है, शटल को हम घुमाएंगे तो निकल आएगा। ये ऐसे पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। फिर यहाँ से बक्स की जो ये किनारी है इसको साफ करना है जहाँ पे धागा फंस जाता है। ठीक है, इसी कपड़े के साथ इसको साफ करेंगे। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब इसी बारे में, ये भी साफ हो गया। ये वो चीज़ है जिस पे लोग मशीन को उठा के तो कारीगरों के पास ले। हाँ जी हाँ जी, ये उस्ताद साहब ने हमें साफ हो गया, इधर ही बता दिया। अब हम शटल को लगाएंगे इसमें उल्टी साइड से, यहाँ से रख, ये टेक्निक है, इसको रख के घुमाएंगे तो इसके अंदर बैठ जाएगा। फिर वही भी आ गया जी। अब इसको इस पकड़ के तो यहाँ पे उंगली रखनी है, ऐसे पकड़ना है इसको, तो फिर वापस मशीन के अंदर। मशीन के अंदर रोशनी, ये मेरी मशीन जरा गंदी है। ये रोशनी वाला डिपार्टमेंट जेड़ा ना थोड़ा वो लाइट प्लीज, लाइट मैन, लाइट मैन। ये इसका रुख जो है ना सामने होगा, ये इस तरह, क्योंकि ये रुख सामने करने के लिए इन्होंने मशीन के व्हील को घुमाया है। ये इसमें रखा है और वो शटल में एडजस्ट हो गया ये। अब आपने इसको यहाँ से पकड़ के पहले पेच लगाना है, पेच को हिलाएंगे तो बैठ जाएगा। एक पेच लगा दिया है, दूसरा टैप है, दूसरा गुम पड़ा है। दूसरा कहीं टैप पड़ा है। बहरहाल जी, ये आज हमने ये टोटका जी ये शेयर कर दिया और ये पेच लगा और ये वापस अपनी जगह पे।